अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मिट्टी इकट्ठी करो, मिट्टी इकट्ठी होगी, पानी डालो, डाल गए, गोंदो, गोंद गए, छोड़ दो, छोड़ दिया, वो काली हो गई, बुलबुले छोड़ने लगी, पुतला बनाओ, कैसे बनाए, ऐसे बनाओ, बना दिया, छोड़ दो, नंगा पुतला आदम का 40 साल पड़ा रहा, हवाएं चलती रहीं, धूप पड़ती रही, खुश्क हो गया, रूह डाली, कपड़े पहनाए, जन्नत में डाल दिया। अगर अल्लाह चाहता तो हव्वा का पुतला भी साथ बना देता, मिट्टी इकट्ठी करके गुंधवा के और पुतला बना के नंगा साथ ही डाल देता, तो नंगा पुतला तो मर्द के लिए कशिश कोई नहीं, फरिश्तों को क्या होगी, और बेपर्दगी थी कोई नहीं, कि था ही कोई नहीं, बेपर्दगी किससे थी, था ही कोई नहीं, तो दोनों पुतले साथ साथ बनते, आदम का भी हव्वा का भी, दोनों नंगे होते, फिर दोनों में रूह डालता, फिर दोनों को कपड़े पहनाता, फिर दोनों को जन्नत में डालता, ना 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 ना, ना। एक तो इंतजार करवाया, इंतजार करवा के चीज अता फरमाई अल्लाह ने, कि बड़ी चीज को एवें नहीं दिया जाता, कुछ थोड़ा सा मशक्कत में डाल के दिया जाता है। तो अल्लाह ने जिंदगी का साथी आदम को दिया, जन्नत आप ही दे दी, और हव्वा का इंतजार करवाया, जन्नत का इंतजार नहीं करवाया, हव्वा का इंतजार करवाया, फिर मिट्टी नहीं इकट्ठी की, पुतला नहीं बनाया, पानी नहीं डलवाया, और उसे नंगा नहीं डाला, बल्कि आदम को सुला दिया, फरिश्तों की आंखों पे पर्दा डाल दिया, जब आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली है तो अपने पहलू में एक औरत को मुकम्मल लिबास में पर्दे में पाया है, पहले दिन से औरत को इज्जत से बनाया है, कहा आदम तेरी पसली से निकाला है, इधर उल्टे हाथ की पसली से क्यों निकाला है, कि इधर दिल है, कि औरत हर रूप में दिल में जगह पकड़ती है, माँ, बेटी, बीवी, बहन, दादी, खाला, जिस रूप में है इसका मकाम दिल के करीब है, दिल से दूर नहीं है। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इंतजार करवाया, और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अच्छी नहीं लग रही थी, कल्ले घाबरे फिर दे आए, हवा वेखी तो खुश होए, कहने के या अल्लाह कौन तेरी बीवी, आदम अलैहिस्सलाम काल की थी अगो है, तो अल्लाह ताला ने कहा महर तो अदा कर, महर तो अदा कर, कहने के क्या महर है, का मेरे आखिरी नबी पर एक दरूद पढ़ दे, ये महर है, ये महर है उसका। मर्दों में सबसे खूबसूरत कौन है भाई, यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम मर्दों में सबसे खूबसूरत हैं, और औरतों में सबसे खूबसूरत अम्मा हव्वा, हव्वा तमाम मस्तूरात जितनी पैदा होंगी, जितनी पैदा हुई, उन सब में खूबसूरत तरीन औरत हजरत हव्वा है। पहले दिन इज्जत से पैदा किया, पर्दों में बिठा के पैदा किया, और बीवी बना के साथ रखा, और हुकूक रखे, अगर बेटी पैदा हो तो मेरा नबी फरमाता है 3 बेटियों की शादी कर दो तो जन्नत वाजिब हो गई, 10 बेटों की शादी करो तो जन्नत वाजिब कोई नहीं, 3 बेटियों की शादी करो तो जन्नत वाजिब हो गई। तो एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह 3 ना हो 2 हो, तो कहा 2 की शादी करो तो जन्नत। एक ने कहा या रसूल अल्लाह अगर 2 ना हो 1 ही बेटी हो और आगे कोई सिलसिला भी ना हो, तो आपने कहा 1 बेटी की शादी कर दो तो जन्नत वाजिब। यही बहन बन जाती है, बेटी से बहन बनती है, भाई आता है, तो मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बहनें अता फरमाई, 2 बहनें, और उन्होंने उसका हक अदा किया, हक अदा किया, हक के भाई बहनों का हक मार जाते हैं, माँ बाप की विरासत में से बहनों को नहीं देते, नहीं देते, ये ऐसे ही हराम है जैसे शराब बेचना हराम है, जैसे सूद खाना हराम है, ऐसे ही बहनों का हक खा जाना ऐसे ही हराम है, जैसे चोरी हराम है, ये बहनों का चोर है, उससे उसकी चोरी की जिसके साथ मिलके 1 छाती का दूध पिया, 1 थाली प्याली में खाया और पिया, 1 छत तले जिसके साथ जिंदगी गुजारी, यह उसकी चोरी कर गया है। जिसने अपनी बहनों का हक मारा उसका रिज़्क हराम हो गया।